दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बी एस सी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलोजी के यूनिट सेवन बेसिक ऑफ कंप्यूटर से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए एम सी क्यू को सॉल्व करेंगे तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की ओर तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले पहले समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है एन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओ एस इज़ ए इंटरफेस बिटवीन ए कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक प्रकार का इंटरफेस है जो कि कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर को एक दूसरे से जोड़ता है तो जैसे कि नीचे देख सकते हैं हार्डवेयर है सी पी यू है रैम है ठीक है, है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ा है अब ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया सिस्टम सॉफ्ट हो गए ये सभी आते हैं और ये सभी सॉफ्टवेयर जो है यूजर से जुड़े हुए हैं तो इस तरह से जो ओ है ये क्या कहता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक दूसरे से जोड़ता है अब यदि हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन की तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है आप इसे एक बार रीड कर लीजिए तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर जैसा कि क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है तो यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं पहला है कलेक्शन ऑफ़ प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज ये भी सही है सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू हेल्प एप्लीकेशन प्रोग्राम ये भी ऑप्शन सही है तीसरा है इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम ये भी सही है तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एब अगला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पीछे देखा तो इसमें देखेंगे तीनों ही ऑप्शन सही हैं तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट right ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दीज चलते अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज तो आपको बता दें कि पीछे हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन ए है अगला क्वेश्चन है एम एस डॉस इज विस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एम एस डॉस जो है ये किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये एक प्रकार का सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट right ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र को और कंप्यूटर हार्डवेयर को एक दूसरे से इंटरेक्ट कराता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम डिवाइस ड्राइवर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसके बाद क्वेश्चन में एम एस डॉस से रिलेटेड चीज़ें पूछा गया था तो एग्ज़ाम में आपको बता दें कि एम एस डॉस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो आपको बता दें कि एम एस डॉस का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको बता दें कि जो डॉस है ये एक प्रकार का नॉन ग्राफिकल कमांड होता है इसमें केवल लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ठीक है और ये एक प्रकार का ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिंगल यूजर परफॉर्म है और वन टास्क होता है यानी कि हम कह सकते हैं सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम तो जब भी आप कंप्यूटर पर डॉस खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा कंप्यूटर पर ठीक है अब बात आती है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग क्या होता है तो जब कोई एक सिंगल यूज़र है कोई डाटा इनपुट कर रहा है तो वो तुरंत सी के थ्रू वो आउटपुट के रूप में दिखाई दे रहा है ठीक है तो मतलब कि एक सिंगल यूज़र एक सिंगल ही टास्क कर पा रहा है और मल्टी में क्या होता है कि आ, कई सारे यूजर होते हैं चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है एमंग दीज नेम मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि इनमें से कौन सा मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको बता दें कि ऊपर के तीनों ऑप्शन यूनिक्स लाइनिक्स मैक ओएस ये सभी ही मल्टी टास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज अगला क्वेश्चन है वाट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है तो आपको बता दें कि एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम तो यहाँ पर बात हो रही थी मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ओएस तो मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग में आता है ब्राउजर एक्सेल पेंट मीडिया प्लेयर तो हम एक साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक साथ ये सभी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो जब एक साथ कई यूज़र अलग अलग कंप्यूटर पर एक ही सर्वर पर ये सभी काम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन ओनली कीबोर्ड इज़ यूज्ड इन विस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल कीबोर्ड यूज होता है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी है सी यू आई अगला क्वेश्चन है इन ऑपरेटिंग सिस्टम सी यू आई स्टैंड फॉर यानी कि सी यू आई का फुल फॉर्म क्या है तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए करेक्टर यूज़र इंटरफेस तो CUI से जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम कमांड को केवल टेक्स्ट के रूप में ही लिखेंगे और तभी हम इस पर काम कर पाएंगे तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कमांड प्रॉम्प्ट है तो इस पर कमांड लिखकर ही काम होता है और आज के दौर में हम विंडो यूज़ करते हैं तो विंडो क्या होता है विंडो होता है जी यू आई जिसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम माउस से काम करते हैं लेकिन सी यू आई में क्या है करेक्टर यूजर इंटरफेस है तो इसलिए यहाँ पर केवल हम कीबोर्ड का ही यूज करते हैं चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी है ओरेकल अगला क्वेश्चन है लाइनेक्स इज ए यानी कि लाइनेक्स क्या है तो आपको बता दें कि जो लाइनेक्स है ये एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका जो राइट right ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा तो लाइनेक्स है क्या लाइनेक्स इज ए मल्टी यूजर सिस्टम मींस मल्टीपल यूजर कैन एसेस सिस्टम रिसोर्स लाइक मेमोरी रैम अप्लीकेशन प्रोग्राम एट सेम टाइम अगला क्वेश्चन है वेन वर एम एस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रपोज यानी कि कब MS operating system दिया गया था तो यह दिया गया था 1985 में तो आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन डी है अगला question है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कॉपीराइट होल्डर होता है वह यूजर को पूरी तरह से राइट right प्रदान कर सकता कहता है कि वो उसके सॉफ्टवेयर को यूज कर सके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते तो नीचे कुछ सॉफ्टवेयर हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं अरे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन हु प्रोवाइड द इंटरफेस टू एस एस द सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम तो कौन प्रोवाइड करता है इंटरफेस ताकि हम एस एस कर सकें सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू चूज टू इम्प्लीमेंट ए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इम्प्लीमेंट किया जाता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पर तो इसका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन डी है विंडो 2000 तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ था तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत